क्या शशकियाँ माशाल्लाह, जितनी प्यारी गाड़ी है ना, मेरा दिल नहीं कर रहा इसको फेस अप लिफ्ट करने। भाईजान इंशाल्लाह इससे प्यारी गाड़ी में बना के देंगे। मतलब तेरे कहने का मतलब है ये बहुत खूबसूरत गाड़ी है, लेकिन इससे डेढ़ खूबसूरत तू गाड़ी बनाएगा, इससे डबल खूबसूरत गाड़ी बनेगी इंशाल्लाह। इसके शशके में देख रहा था अभी, तू फुटेज बना रहा था, गाड़ी अप एंड डाउन हो रही थी जी, हाइट कंट्रोल से। तो क्या हाइट कंट्रोल वैसे नए मॉडल में होगा अपडेटेड जी? सेम कैसे करेंगे आप, जनरल किसी बटन से करते हैं जी? इसमें जो पुराना बटन है ना जी भाई, वो पुराना सिस्टम है, लेकिन जब हम नया सामान लगाते हैं उसके अंदर नई इंटीरियर किट आ जाती है जी भाई, उसके अंदर सारा उसका अपडेट होगा, वही बटन नहीं लगाएंगे। साइड प्रोफाइल भी इसकी उसी तरह ही होगी, सेम लाइक L600 वाली बननी है इसमें। ये शशके कैसे होंगे, ये बजट ही चेंज हो जाएंगे? सही है, इसमें नए मॉडल्स वाले आ जाएंगे। नेक्स्ट इसका ट्रंक है, ट्रंक चेंज करेंगे, इधर सारा इसमें लगाया जाएगा, स्टीयरिंग टेस्ला, इसका डैशबोर्ड और इसकी सीट जो है ओरिजिनल जो लेदर आता है उसमें बनाई जाएगी कम्प्लीटली। जी अस्सलाम वालेकुम जी, ऑटो चैनल वन से फैजान अली आपकी खिदमत में हाजिर है। जैसे आप लोग जानते हैं अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बड़े बड़े शाहकार दिखाते हैं आपको। आज शाहकार जो हमारे पास है वो है वाइट लाइन की शक्ल में, बीच में मार्क फोर का लोगो भी स्टिकर लगा हुआ है। फाइनली बात करेंगे सैफ भाई के पास, इस गाड़ी को क्या बनाने जा रहे हैं फाइनली, और क्या ये गाड़ी LX470 हमारे पास आई है, क्या बन के जाएगी, LX570 600 या LC300 या 200 क्या बनेगा? अस्सलाम वालेकुम साहब भाई, क्या हाल, कैसे हैं आपकी तबीयत? से जी अल्हम्दुलिल्लाह। साहब भाई अभी मैं इस गाड़ी की टेस्ट ड्राइव करके आया हूँ, फाइनली लोकेशन पे आ रहे थे वीडियो में, मेरा जाती तौर पे जितनी स्मूथ टेस्ट ड्राइव और जितनी प्यारी गाड़ी है ना, मेरा दिल नहीं कर रहा इसको फेस अप लिफ्ट करने। अब इंशाल्लाह इससे प्यारी गाड़ी बना के देंगे और हमारे व्यूअर्स भी देखेंगे। 2005 का सिग्नस है LX470, आप देख रहे हैं इतनी साफ गाड़ी है, ये ओरिजिनल गाड़ी है और ड्राइव भी जैसे लाइक जेन्युइन न्यू गाड़ी है, तो इसको इंशाल्लाह ताला ऐसे ही गाड़ी इसके शशके में देख रहा था अभी, तू फुटेज बना रहा था, गाड़ी अप एंड डाउन हो रही थी जी, हाइट कंट्रोल से। तो क्या हाइट कंट्रोल वैसे नए मॉडल में होगा अपडेटेड जी? सेम कैसे करेंगे आप, जनरल किसी बटन से करते हैं जी? भाई इसमें जो पुराना बटन है ना जी भाई, वो पुराना सिस्टम है, लेकिन जब हम नया सामान लगाते हैं उसके अंदर नई इंटीरियर किट आ जाती है जी भाई, तो उसके अंदर सारा उसका अपडेट होगा, वही बटन नहीं लगाएंगे। सही है, हम अक्सर देख रहे लोगों ने वही बटन कई बार एडजस्ट किया होता है। सही है, लेकिन इसका हाइट कंट्रोल का बटन है जो ओरिजिनल जो नए मॉडल में आता है वो उसी बटन से ऑपरेट होगा। मतलब तेरे कहने का मतलब है ये बहुत खूबसूरत गाड़ी है, लेकिन इससे डेढ़ खूबसूरत तू गाड़ी बनाएगा, इससे डबल खूबसूरत गाड़ी बनेगी इंशाल्लाह। जब ये गाड़ी जाएगी ऐसे ही इसको हम रिव्यू करेंगे इस गाड़ी का, लेकिन उस रिव्यू के अंदर तो कह रहा है ये डबल खूबसूरत होगी। बिल्कुल ऐसे ही है, हमारे क्लाइंट भी जिनकी गाड़ी है वो भी वीडियो देख रहे होंगे, उन्होंने भी बड़ी मुश्किल से इसको जो है ना वो माइंड बनाया कि किस में बनाना है, बनाना तो है 200 करें या 300 करें या लेक्सस करें, लेकिन उन्होंने इसको 300 करना है, इसके बाद उनका एक सेकंड जो गाड़ी है उनकी उसको उन्होंने लेक्सस करना है सर इंशाल्लाह। दूसरा प्रोजेक्ट भी करेंगे, फ्रंट से LC300 पूरा होगा, ऑलमोस्ट सब गाड़ियों को बता चुके हैं, बिल्कुल ऐसी है। साइड प्रोफाइल भी इसकी उसी तरह ही होगी, सेम है लाइक LC300 वाली बननी है इसमें, हम इसको जैसे कि पूरी इसकी प्रोफाइल चेंज होनी है। सही है, इंटीरियर एक्सटीरियर और साइड से जो कुछ है सारा इसका चेंज। ये शशके कैसे होंगे, ये बजन ही चेंज हो जाएंगे? सही है, इसमें नए मॉडल्स वाले आ जाएंगे, वैसे लूज हुआ है। सही है, तो इसमें ये उतार के वैसे भी नया लगाना है, हैंडल्स वगैरह जो इसको, और आपको बताता जाए हम जो इसमें कुछ चेंजिंग भी करनी है हमने ना अपने काम की जो होती है इसमें काफी चेंजिंग्स लेके मतलब न्यू टेक्नोलॉजी कुछ इसमें ऐड करने जा रहे हैं LC300 में जो इससे पहले गाड़ियों में आपने नहीं की जी। बिल्कुल, इसमें कुछ करेंगे दिखाएंगे। टेक्निकली क्या छुपाना बताओ यार भाई जान, इसके अंदर जो हमारे प्रोजेक्ट्स पहले लगे हैं वो भी हो रहे हैं, इसके अंदर जो हैंडल्स हैं हम जो पहले लगा रहे हैं LC300 को भी वो ओल्ड मॉडल्स के लग रहे हैं, मतलब लाइक 2022 वाले, लेकिन इसको जो हैंडल्स आ चुके हैं 801 पे टेक्नोलॉजी जो नहीं आई है हैंडल, इसके LC300 वाले जो ओरिजिनल कंपनी दे रही है ना वो वाले इसके अंदर हैंडल एडजस्ट किए जाएंगे, जो वन पीस में हैंडल होता है और विद क्रोम, ओरिजिनल क्रोम है उसको। उसके बाद मुझे वो बताएंगे ना, उसके बाद एक और चीज भी चेंज करने जा रहे हैं जी भाई जान, वो पीछे चल के बताते हैं। उससे पहले अगर बताऊं तो जैसे कि हम अक्सर देख रहे होते हैं, मैंने कई गाड़ियां देखी हैं बनी भी प्रोजेक्ट्स लोगों की, यहाँ पे बहुत फर्क आ रहा होता है ना इस चीज में और इस यहाँ पे क्रोम में। सही है, लेकिन इसको इंशाल्लाह हम पूरा बराबर करेंगे, पूरा बॉर्डर चलाएंगे थ्रू आउट जो ओरिजिनल गाड़ी में आता है। बैक से थोड़ा बता दें यार, बैक से इसका ट्रंक है, ट्रंक चेंज करेंगे, इसका ट्रंक टू पीस में है, LC300 का ट्रंक है भाई वन पीस में, तो उसमें ऊपर की टेक्नोलॉजी का वन पीस ही होएगा।
मेरे प्रोजेक्ट लगे हुए हैं वो भी वन पीस हो रहे हैं, इसको भी वन पीस करना है। क्या बात है, इसका प्रोजेक्ट आपने वन पीस के अंदर करने का करना है। क्या बात है। और हमारे नए आने वाले व्यूअर्स को भी ये कि जो बनाना है, जेन बना रहे हैं लोग, उनको भी मैं ये कह रहा हूँ कि हमारे पास जो टेक्नोलॉजी आ गई है, जैसे कि डिगी है, हैंडल्स है, हर डे आपको चैनल वन अपडेट करता रहता है अपने आप। बिल्कुल बिल्कुल। जो चीज सर मुझे थोड़ा सा ये बताएं, तो जो दरवाजों की स्किनें चेंज कर रहे हैं उसके बारे में थोड़ा बताएं, गाड़ियों के साथ क्या जुलम कर रहे हैं। जी भाईजान, वो मेरे पास एक क्लाइंट भी थे, वो मेरे भी देख के भी आए हैं। वो ये चीजें है ना, ये ओरिजिनल, ये गाड़ी की जनरल सील होती है, वो यहाँ से इसको कट कर देते हैं। कट करके पीस जब अलग हो जाना है इसमें, वो जान ही खत्म हो जाती है। और उसके बाद हमारे जो पिलर्स हैं इसके, ये पीछे वाले पिलर्स, ये इनके अंदर भी वो फिर हैमर करना पड़ेगा, इसको कट एंड वेल्ड करना पड़ेगा। लेकिन जैसे हम करेंगे, सिर्फ दरवाजे पे मॉडिफाई होएगा वो मॉडिफिकेशन, इसके पिलर जो ओरिजिनल बॉडी है उसको नहीं छेड़ेंगे। ऑटो चैनल वन क्या करता है भाईजान, उनको छोड़ेगा भाईजान? इसमें हमारे जो डोर्स हैं, ये है बैक फेंडर है, इनको जो ओरिजिनल बॉडी है इसको शेप देंगे, इसी को डेंटिंग करके शेप बनाई जाती है। और इसको जितना इस मैक्सिमम होता है ना, जितना जेन्युइन गाड़ी में होता है उतना इसको बाहर निकाल लेंगे। सही है। अंदर इंटीरियर के शस्के बता दें हमारे व्यूअर्स को यार। इंटीरियर पे आपको बताएं, इंटीरियर तो सर वो ऐसा कि बाहर से गाड़ी तो लोग देखते हैं, इंटीरियर अंदर बैठ के। जी बिल्कुल, ऐसे वो क्लाइंट ने खुद देखना होता है। तो इसमें मैं आपको बताऊं तो ये इसका इंटीरियर भी बहुत खूबसूरत है, आपको दिखाते जाएं। लेकिन जो इसमें डलने वाला है वो LC 300 वाला, इसमें ओरिजिनल जो है इंटीरियर सारा इसमें लगाया जाएगा, स्टेयरिंग, टेस्ला, इसका डैशबोर्ड और इसकी सीट्स जो है ओरिजिनल जो लेदर आता है उसमें बनाई जाएगी कम्प्लीटली। इसका डिजाइन भी बहुत खूबसूरत है, LC 300 का ओरिजिनल डिजाइन देना है इसकी सीट्स को भी। हम वैसे जो क्लाइंट रिक्वायर्ड पे करते हैं, लेकिन इसको इस सीट्स को जो डिजाइन आना है वो LC 300 वाला आना है इंशाल्लाह, वो आना है। इसके रिमो के बारे में थोड़ा बता दें यार। रिम ये देखें 2005 वाले लगे में। सही है। इसको अब हम रिम भी LC 300 के लगाएंगे। सही है। लेकिन मैंने अक्सरियत देखा है कि जो रिम लगे होते हैं वो गाड़ी 2024 बनाई है तो रिम 20 के डाल देते हैं, 18 के डाल देते हैं, वो जहाँ से गाड़ी का बहुत दूर से पता लग जाता है गाड़ी फेस शिफ्ट है। LC 300 वाली डालेंगे। LC 300 मेन निशानी LC 300 की जो होती है वो क्या करने जा रहे हैं, साइड मिरर की, जो साइड मिरर है, साइड मिरर की निशानी उसकी है, टेक्नोलॉजी चेंज हुई है बिल्कुल ऐसी। तो उसका दरवाजे भी आएगा मिरर, डोर भी आना है सर, उसी तरह नए मॉडल के, नए मॉडल के और LC 300 के लगेंगे। तो जी अगर आप भी चाहते हैं इस तरह LX 470 आपके पास है तो आप लेके आए, तो नया 300 बनवा के लेके जाएं। जितनी खूबसूरत गाड़ी है सैफ का कहना है उतनी खूबसूरत गाड़ी बनाएंगे। तो इंशाल्लाह अगर आपके पास भी है तो आप आ जाए ऑटो चैनल वन पे। इसी के साथ अपने मेजबान फैजान अली को, मेरे बड़े गुड लुकिंग मेरे सैफ भाई, उसी तरह मेरा कैमरा मैन तैमूर भाई, तीनों को इजाजत दें। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। बहुत शुक्रिया सैफ भाई। थैंक यू।